डेफिनेशन रीड करने लगी मैं पावर ऑफ मैट्रिक्स की, कर्सर उस पर रखिएगा. लेट ए बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर अ फील्ड के, ओवर अ फील्ड के पहले भी बात हो चुकी है कि जो एलिमेंट्स हैं यानी मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो किसी फील्ड से लिए जाते हैं, वो फील्ड लेयर भी होती है और कॉम्प्लेक्स भी होती है. यानी मैट्रिक्स के अंदर जो भी एंटिटीज हैं, मैट्रिक्स के अंदर जो भी एंटिटीज हैं वो रियल नंबर भी हो सकती हैं और कॉम्प्लेक्स भी. तो उसने क्या, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो देन पावर ऑफ ए डिफाइन एज दिस, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 1. स्क्वायर मैट्रिक्स को अपने ही एलिमेंट से कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया वो उसकी पावर कहलाती है. लेकिन इसके लिए इम्पोर्टेंट बात ये है कि पावर ऑफ मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है, यानी ऑर्डर भी ऑर्डर सेम होना जरूरी है. ए को ए से ही मल्टीप्लाई करो तो ए का स्क्वायर बन गया, जो ए का स्क्वायर है वो ए मैट्रिक्स ए की पावर कहलाएगा. सिमिलरली ए मैट्रिक्स को, ए क्यूब का क्या मतलब है, ए क्यूब का मतलब है उस मैट्रिक्स को 3 दफा मल्टीप्लाई किया गया है. 3 दफा मल्टीप्लाई करने से हमें 1 हासिल हुआ है, तो ये जो 3 है वो ए मैट्रिक्स की पावर कहलाएगा. कोई मसला जिस तरह नॉर्मल हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं उनके एक्सपोनेंट की तरह ये भी. हाँ लेकिन जैसे एक्सपोनेंट होता है वही है, लेकिन ये मैट्रिसेस का है और मैट्रिसेस में मैट्रिसेस भी सिंपल मैट्रिसेस नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स. हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स को अपने ही मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पावर हासिल होगी वो क्या कहलाएगी, वो उसकी पावर ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगी. जैसे ए को ए से ही मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वायर बन जाएगा और कोई ना कोई एक मैट्रिक्स मिलेगा, तो वो जो ए स्क्वायर है, जो स्क्वायर है वो उस मैट्रिक्स की पावर कहलाएगी. ए क्यूब का मतलब है ए को 3 दफा मल्टीप्लाई करना, ए ए ए और ए. ए को 3 दफा कैसे मल्टीप्लाई होगा, पहले किसी 2 ए को मल्टीप्लाई कर लो, जब 2 ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एक आंसर निकल आएगा, फिर उसको तीसरे ए से मल्टीप्लाई कर दो. ओके मैम, यानी उस मैट्रिक्स को 3 दफा मल्टीप्लाई करना. अच्छा, ये सिर्फ करने से जो आंसर निकलेगा वो एक ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा, उसमें किसी और मैट्रिक्स में नहीं हो सकता ये. जी बिल्कुल नहीं, पावर ऑफ मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की होगी. अच्छा, अब इसके अंदर कुछ बातें हिडन है वो यहाँ पे नहीं मेंशन की. मैम एक चीज पूछनी. जी जी मैम, नल मैट्रिसेस की पावर क्या होगी, किसी चीज पावर 1 है जब ही तो वो 1 है. नहीं मैम, नल मैट्रिक्स की पावर क्या होगी. मैम नल तो 0 मैट्रिक्स हुआ ना, उसकी क्या पावर होगी. देखो किसी नल मैट्रिक्स 0 है, 0 की पावर 1 है, 0 की पावर 1 है तो 0 एग्जिस्ट कर रहा है ना. यस मैम. और ए, अगर मैट्रिक्स की पावर 0 होगी तो वो आइडेंटिटी हो जाएगा. पावर सिंपल ये चीज है कि हमने एक मैट्रिक्स को कितनी दफा अपने मैट्रिक्स से कितनी दफा मल्टीप्लाई की है. यस मैम. हम ये देखें ना यहाँ पे पावर असल में क्या है. देखो एक मैट्रिक्स को अपने ही किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को, सबसे पहले सिंपल स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को इटसेल्फ मल्टीप्लाई करने से कितनी दफा मल्टीप्लाई किया. अगर 2 दफा मल्टीप्लाई किया है उस मैट्रिक्स को तो उसकी पावर 2 हो जाएगी. अगर 3 दफा मल्टीप्लाई किया तो उसकी पावर 3 हो जाएगी, तो 3 हो जाएगी. वो मैम वो उस चीज का इशू नहीं है मुझे. ये देखें मैम यहाँ पे ना, यहाँ पे एंड पे देखें, ए की पावर 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है. हाँ तो अगर हमारे पास नल मैट्रिक्स होगा तो उसकी पावर क्या होगी. देखो नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स क्या है, 0 0 0 0. मैं 3x3 ऑर्डर का नल मैट्रिक्स ले रही हूँ, उसमें 0 0 0 फिर 0 0 0 और फिर 0 0 0. उसकी पावर कुछ नहीं है, तो जिसकी पावर कुछ नहीं है उसकी पावर 1 है. आप उसकी एंटिटीज ना चेक करो, आप उसकी पावर चेक करो, उसके बाहर एक ब्रैकेट लगाओ और ब्रैकेट के ऊपर पावर अगर कुछ नहीं है, तो ये ए के अंदर ऐसा क्या होगा कि इसकी पावर 0 हो गई है. वो तो वैसे ही हमने लिखी हुई है ना, लिख सकते हैं 0. अच्छा ठीक है. तो जनरल बात की है कि किसी भी को, तो हमें हम बचपन से पता है कि किसी भी चीज की पावर 0 हो जाए तो आंसर किसके बराबर है 1. आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप कर रहे हो नल मैट्रिक्स की बात, मैट्रिक्स की कर रहे हो, नल और उसकी पावर को भी 0 ले रहे हो. नल मैट्रिक्स का मतलब ये नहीं है कि उसकी पावर 0 हो गई. नल मैट्रिक्स का मतलब है कि उसके अंदर जो एंटिटीज, जो एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं, लेकिन अगर उन मैट्रिसेस के आगे हमने एक मैट्रिसेस की ब्रैकेट लगाई और ब्रैकेट लगाने के बाद उसके ऊपर जो पावर है वो 1 है, वो पावर 0 नहीं है. Yes, miss, बिल्कुल ठीक हो गया, समझ आ गई. ठीक हो गया. अच्छा अब इसमें से हम कुछ रेलिवेंट, मैंने कुछ बातें बतानी है जो कि यहाँ पे नहीं है लेकिन आप वो नोट कर लेंगे.
वो ये है कि जैसे इसने ये मैट्रिक्स लिखा है ना, ए की पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू ए एन अलहदा कर दिया और ए अलहदा कर दिया, कर सकते हैं ऐसे, कोई इशू तो नहीं है दरमियान में? जी बिल्कुल, आप कर्सर रखिए यहाँ पे, कर्सर रखे ए की पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू ए की पावर एन अलहदा और ए अलहदा, ऊपर ऊपर यहाँ पे, ये नजर आ रहा है सबको जहाँ कर्सर रखा है? इसमें किसी को कोई इश्यू है तो पूछ लें, क्योंकि मैं इससे रिलेवेंट एक डेफिनेशन बताने लगी हूँ आप। अगर कर सकते हैं ऐसे, कोई इश्यू तो नहीं है, पावर सेपरेट कर सकते हैं ना, ए की पावर एन अलहदा कर दी और ए अलहदा कर दिया, कर सकते हैं। अच्छा, अगर एक मैट्रिक्स, अगर ए की पावर एन प्लस वन अपने ही बराबर हो जाए, इसको लिखें, आप सबके पास रजिस्टर है ना, इसको लिखें, रिपीट कर दें, ए की पावर एन प्लस वन अपने ही मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, ए के बराबर हो जाए, लेकिन मैं यहाँ लिखने लगी हूँ अगर आपको नजर आ रहा हो तो, ए की पावर एन प्लस वन अपने ही मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, ए के बराबर हो जाए, नजर आ रहा है सबको? यस सर, यस। अगर ऐसा हो जाता है तो ए एक पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा, मेंशन कर लें। लेकिन ये फिर दोबारा बता रही हूँ, केसेस ए ए पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा, और दोबारा कंडीशन इसके अंदर ए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, कौन सी वाली, ए की पावर एन प्लस वन बराबर हो जाए ए के, तो ये एक पीरियोडिक, तो ए एक पीरियोडिक फंक्शन है। ए एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका, मैं एक मिनट पूरी मुझे बारे, पीरियोडिक जिसका पीरियड कितना है एन, एक एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड एन है। मैं अब आपको एक मैट्रिक्स देने लगी हूँ, आप मुझे चेक करके बताएंगे कि ये समझ आ गई है कि एक एक, अगर ए पहले, सबसे पहले आप ऊपर मेंशन करेंगे कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद ये पावर आती है, वरना वरना पावर नहीं आती। अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए की पावर एन प्लस वन अपने ही बराबर आ जाए, तो ए एक पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा और इस पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड कहलाएगा एन। रेज कर दूं, ये समझ आ गई है? Yes, ma'am, आ गई है। लाजमी नहीं है ये, अगर कोई ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा? पीरियोडिक फंक्शन, यानी वो मैट्रिक्स पीरियोडिक कहलाएगा, सॉरी पीरियोडिक फंक्शन ही, पीरियोडिक मैट्रिक्स कहलाएगा वो, और उसका पीरियड क्या होगा? एन। जरूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो फिर वो पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक मैट्रिक्स कहलाएगा जिसका पीरियड एन होगा। अब मैं एक और कंडीशन लिखने लगी हूँ, अगर एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो वो मैट्रिक्स कहलाएगा आइडेंपोटेंट। मैं स्पेलिंग लिखने लगी हूँ, आइडेंपोटेंट, मिस अगेन बताएं, आइडेंपोटेंट,
मैं आपको एक, ऐसे मैट्रिक्स को मैं अभी जितनी आपको मर्जी एक मिनट, दफा आई डैम पोटेंट। अच्छा अब मैं एक मैट्रिक्स लिखने लगी हूँ, आपने उसको, मैं बल्कि मल्टीप्लाई भी करके लेते हैं अगर होता है तो यहीं पर ही। बल्कि मैं एक मैट्रिक्स की तस्वीर शेयर कर रही हूँ जो कि क्या है, आई डैम पोटेंट। आइडेंपोटेंट की मैं अभी आपको एक पिक्चर शेयर करने लगी हूँ, वो देखिए आप। मैम, ये मैम कैसे ना मैट्रिक्स आठ को, मिनट रह गए हैं बस जी मीटिंग एंड जी होने में, मीटिंग एंड होने में 8 मिनट रह गए हैं। कुछ नहीं होता। हाँ फिर दो, ठीक है देख लेते हैं, आप मुझे 2 मिनट पहले बता दीजिएगा। मैम कैसे मैम मैट्रिक्स को जितनी दफा मर्जी मल्टीप्लाई करना है, वो आंसर सेम ही आएगा उसका फिर। मतलब पीरियोडिक, समझ नहीं आई मुझे मतलब आपका आंसर, क्वेश्चन क्या। एक मैट्रिक्स, आप लिख के करो, आपको भी वो स्क्रीन शेयर हो रही होगी ना, लिख के बताओ मुझे क्या क्या है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई मैट्रिक्स है जो आइडेंटिकल है, उसे अगर हम फिर से हाँ उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका भी आंसर सेम ही आना चाहिए फिर। नहीं, उसका आंसर सेम नहीं आएगा, बस सिर्फ ये कंडीशन है कि स्केयर आने के बाद उसका आंसर सेम आ जाए। स्केयर लेने के बाद वो, यानी उसको इम्पोर्टेंट कहलाएगा। ठीक है, आइडेंटिपोटेंट की मैं एग्जांपल आपको शेयर करती हूँ अभी ग्रुप के अंदर। फिर उसके बाद है एक मैट्रिक्स, क्योंकि ये सारी पावर से रेलिवेंट बातें हैं इसलिए मैं करवा रही हूँ, अगर वो पूछ लेता है कुछ भी तो आपको आना चाहिए, ये पावर ऑफ मैट्रिक्स से रेलिवेंट है। अगर कोई ये कोई स्केयर मैट्रिक्स है और ए स्केयर आई के बराबर है, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ जाता है, तो वो मैट्रिक्स कहलाएगा इन वो इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, एल यू, मिस कौन सा होगा इन्वोल्यूटरी? जिसका स्केयर लेने पे आइडेंटिटी आ जाए। मैं दोनों की एग्जांपल्स आपको शेयर करती हूँ। इस अटेंडेंस लेने वो टाइम खत्म होने वाले 5 मिनट। मिस हमारा ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें जो तो प्रेजेंट है। हाँ मैं इतनी देर में स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ। अटेंडेंस का भी ले लें स्क्रीनशॉट, वो मैंने पहले ले ली, अभी लिया, बल्कि जब ब्रेक से वापस आए, इसके बाद वाला मैं कंसिडर करूंगी। ये आपके कोर्ट्स में एज इट इज तो मेंशन नहीं है ये चीजें, यानी नेम वाइज तो मेंशन नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है ये पावर ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि उसने मेंशन कर दिया तो ये पावर से रेलेवेंट बातें तो ये इंक्लूड होंगी, और ये एस एम यूसुफ के अंदर ये बड़ी क्लियरली मेंशन होती है और ये पेपर में आ जाती है, शॉर्ट क्वेश्चन में तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है। यस मैम, ये एजुकेशन वाले ऐसे ही करते हैं, मिस थोड़ी सी चीज इधर उधर से भेज देते हैं। और कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ हमें ये याद रखना है
कि अगर ए स्क्वायर ए को ए से मल्टीप्लाई कर दिया आंसर ए के बराबर आ गया तो आइडेंपोटेंट, और अगर ए को ए स्क्वायर आई के बराबर आ गया यानी ए को दो दफा मल्टीप्लाई कर दिया आइडेंटिटी आंसर आ गया तो वो इनवॉलंटरी। अब हमने निलपोटेंट मैट्रिक्स देखने लगे हैं, डेफिनेशन और एग्जांपल मैंने सेंड कर दी है, मिल गई है मैम। अब मैं बताने लगी हूँ निलपोटेंट मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी कोई सम पावर लेने से आंसर जीरो, क्योंकि जीरो अब कोई नंबर नहीं हो सकता, ये मैट्रिसेस ही है, मैट्रिसेस की बात होती है तो आंसर भी मैट्रिसेस ही आता है। अगर ए की कोई सम पावर लेने से आंसर नल मैट्रिक्स आ जाए तो वो मैट्रिक्स कहलाएगा निलपोटेंट। डेफिनेशन ऐसे मैंने प्रॉपर डेफिनेशन बुक में शेयर कर दी है ग्रुप में, निलपोटेंट। मैम ए की कौन सी पावर लेने से? कोई भी, यानी ए को दो दफा मल्टीप्लाई करो, तीन दफा मल्टीप्लाई करो, चार दफा करो, जितनी मर्जी मल्टीप्लाई, जब तक जीरो ना आए मल्टीप्लाई करते रहो। अगर वो आपसे कहता है कि चेक करेंगे जो मैंने गिवन मैट्रिक्स दिया ये निलपोटेंट है या नहीं है, तो आप ए को ए से मल्टीप्लाई करो, आंसर जीरो नहीं आता, फिर आपको ए स्क्वायर को फिर ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ए क्यूब आ जाएगा आंसर। जब तक आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आता आप मल्टीप्लाई करते जाओ ए को ए के साथ ही।